हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मेरा तक्के मुझे छोड़ नहीं रहा। तक्के छोड़ नहीं रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? गुड मॉर्निंग, छोड़ नहीं रहा मेरे को। राम में पकड़ के बैठा है तक्के, बोल रहा सो जाओ। अच्छा, आज धूप निकली है तो सोने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अपने अपने ड्रिंक्स पीते हैं और दिन का शुरुआत करते हैं। सो यस गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे इज 18th ऑफ जून एंड इट्स राधेशंकर्स बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे अंकल। चलो फटाफट ये पीते हैं एंड अंकल को फोन करते हैं। चीयर्स। परफेक्ट मॉर्निंग, परफेक्ट सन, धूप निकला, मुझे सब बढ़िया शांति हुई है। बाबा जो कल बरसे वो बरस बाबा रे बाबा। ब्रेकफास्ट स्प्रेड, मेरा स्मूदी, अनिकेत का एग एंड ब्रेड, आज उसको ये खाने का मन कर रहा था। यो करने के पैसे नहीं मिलते मुझे। आज मुझे ये खाना था, कुछ अलग खाना था मुझे। क्या अलग हुआ इसमें? इसमें एक बॉयल एग हो गया। अच्छा लग रहा है? मस्त। खाने में क्या बनेगा? सॉर्टेड होना चाहिए ना। एक खाना खाते खाते दूसरा वाला का प्रिपरेशन का क्वेश्चंस मुझे मत पूछा करो यार। किसको पूछा? पेट अस्त अस्त भरता है ना, तो फिर बाद में और मन नहीं करता दूसरा कुछ बोलूं। अच्छा, ये बनाओ वो बनाओ। बट खाना तो है। खाना तो है। क्या बनेगा खाने में? क्या बनेगा? मम्मी ने होशियारी मार के अनिल को फोन किया, बोला आज करेला और तुरई भेजना और उसके साथ पपीता और वाटरमेलन वो सब भेजना। मम्मी को लगा था आज करेला बनेगा तुरई बनेगा। उसने वाटरमेलन दिया, पपीता दिया, सब दिया, करेला और तुरई नहीं दिया। बोला नहीं मिला अभी। अब सोचो कि क्या बनेगा। सोचो। मुझे तुरई ना बहुत दिन से खाने का मन है। तुमको भी याद होगा मैं उसको कितने दिन से बोल रही हूँ झिंगा ला दे, पर वो ला ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है उसको। वो अच्छा सामान ही देता, खराब रहता तो वो लेके ही नहीं आता और देता भी नहीं। इतना बारिश के बाद धूप होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे तो पूरा पानी भर गया। हम लोग ने सुबह सब न्यूज में निकित मुझे दिखा रहा था, वैसे ही विराट पूरा कमर तक पानी भर गया था। सो मतलब यहाँ भी उतना हुआ, यहाँ पे ज्यादा हेवी रेनफॉल हुआ, बहुत हुआ था। कल यहाँ पर बहुत बारिश हुआ, बहुत बारिश हुआ। अगर काउंट करने जाओ तो मतलब बहुत एमएम में बारिश हुआ है। कमर कमर तक पानी हो गया था और आज पूरा सूखा। आज पूरा सूख गया। इट फील्स गुड। कभी कभार क्या होता है ना, हम गर्मी में बोलते हैं कि यार ठंडी आना चाहिए, फिर बारिश आता है तो थोड़ा मजा आता है, वेदर थोड़ा कूल हो जाता है। बट देन फिर रोज बारिश देख के, डार्क ग्लूमी वेदर देख के ना, फिर मन नहीं करता। फिर ऐसा लगता है अरे थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, थोड़ा सा बॉडी दुख रहा है, इधर अकड़ गया उधर अकड़ गया। फिर लगता है कि अरे थोड़ा सा अभी वेदर अच्छा हो जाएगा, सनी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता। आप लंदन जाओ या दूसरे और किधर जाओ तो इट्स ऑलवेज ग्लूमी एंड लोग उसी में काम कर रहे, उसी में पॉजिटिव फील कर रहे, ये कर रहे। बट यहाँ पर वी आर अकस्टम टू सीइंग सनी वेदर। हमें सूर्य देवता ज्यादा पसंद। थोड़ा बारिश के बाद में फिर अच्छा नहीं लगता। और स्पेशली जिनके पास गाड़ी नहीं होता उनको तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो हम चले थोड़ा सब्जी लेने, एग लेकर आते पड़े। सब पंछी धूप सेकते हुए देखो तार पे। यहाँ से जो वो लोग टारगेट लेते हैं ना, एक एक के ऊपर जो नीचे से जाता है उसके ऊपर जो टारगेट लेते हैं ना भाई, बचा लो। वो लोग बेचारे बारिश से बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं खुद शिकार हूँ। एक बार मैं जा रहा था और उन्होंने टारगेट लिया, ठीक मेरे सर पे गिरा। दिन अच्छा गया उसके बाद। अच्छा होता है दिन। मम्मी बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है। मम्मी तुमको गर्मी लग रहा है इसके लिए हम तुमको वाटरमेलन जूस पिलाएंगे। ओके थैंक यू। उठाओ अपना अपना ग्लास, सब लोग पब्लिक लोग अपना अपना ग्लास उठाओ। चीयर्स चीयर्स। अनु भागो काम करने हैं। सो मेरा हो गया नहाना डन। और ये देखिए ये क्या कर रही है, ये कर रही है अंकल को एक प्यार भरा हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज। अंकल के बारे में लिखने जाओ ना तो लिखते ही रहेगा इंसान। मतलब उनके पास इतना कुछ सीखने के लिए है ना। अब बाबा जाने के बाद से हम ऐसे मतलब उनके ऊपर हम काउंट कर सकते कि कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी जानना हो या कुछ भी सीखना हो, यू कैन गो एंड ही विल बी ऑलवेज स्टैंडिंग बाय आवर साइड्स। एंड बहुत ही मतलब उनका प्रेजेंस हमारे
be short to explain the impact that he has had. Yes, I was writing and I was smiling ki there is so much I have learnt in this 5 years from him. Learnt, known, मतलब एक इंसान से सीखना, उनके बारे में इतना कुछ जानना वो कम ही लोगों के पास होता है और वो उतना शेयर भी करते हैं हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लगता है. ऐसा कोई रिलेशन एक फैमिली से भी बढ़कर ये फैमिली है हमारे लिए, मतलब सच में. अंकल हैज़ गॉन आउट, वो थोड़ा घूमने गए शायद से बाहर, तो हम शाम को जाएंगे उनके पास केक लेके. तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाते जाते हैं केक खरीदने. जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बाल के भी अभी जस्ट नहाना हुआ है एंड वी आर गोइंग आउट. हम जा रहे हैं वैसे ही वेस्ट, लेट्स टेक आउट समथिंग, केक लेंगे और एक छोटा सा गिफ्ट, टोकन ऑफ लव. बार बार बंद हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है. मुझे लग रहा है हमें वाहन दोष हो गया, वाहन दोष. अच्छी खासी चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया, ऑटोमेटिक बंद हो रहा है. वैसे मेरा लेवल 2 पे था और आज ऐसा न्यूज़ है कि इसे भी लेवल 3 पे डाल दिया है. केसेस बढ़ रहे हैं कम होने की जगह और गर्दी भी बाहर उतनी हो रही है, सो लेवल 3 कर दिया है फिर से. सो मे बी शॉप्स 2 दिन कल से या 2 दिन बाद 4 बजे तक ही खुले रहे हैं. Ankit has gone to the top. So he's gone there. Prem का काम है उसको कुछ वो करने वाला है. Bye. काम हुआ? ऐसे चलेगा. Ankit देखो. Finally we got a gift from UCB. So yes, done. Gift लेना हो चुका है अंकल के लिए. Hope he likes it. And let's go home now. एक दिन के बारिश में क्या हाल हो गया? Ground पूरा बहती नदी बन चुका है. तो हम आ गए केक के दुकान पे अंकल के लिए केक लेने के लिए. वी हैव कम टू ओ केक्स एंड अन्नू चली है आगे आगे. हम तो होता हूँ देखते भाल लग, मने टेस्ट है भाल लग. Which one was this? Yeah. तो हमने ले लिया है केक. परसों हमें इतना अच्छा लगा कि आज हमने वापस मंगाया है. एंड ऑल्सो बिकॉज हमको राजेश अंकल के घर में भी लेके जाना है. राजेश अंकल के घर में रसगुल्ला लेके जाना है, कचौड़ी लेके जाना है. उसके पहले हम थोड़ा सा इधर पेट पूजा कर लिए. अंकल का पार्सल इज रेडी वहाँ पर, अंकल का गिफ्ट, अंकल का केक, एवरीथिंग इज रेडी. वाह, इधर ये लोग चाय वाय पी के एकदम. ये देखो क्या हो रहा है, ये कौन सा नया टेक्निक है? जोरा जबी को लगाना आता है. क्या जोरा जबी? अनु रेडी हो जा बाबा, यश ने बुलाया है बाबा 9 बजे केक काटना है. यश बोल रहा था कि केक लेने की जरूरत नहीं. मैंने बोला कि ये रेडी करे, ये इनसे हुआ नहीं. प्लेट किधर है, ये किधर है, वो किधर है, उससे अच्छा फिर मैंने सोचा मैं ही कर लूँ, फटाफट हो जाएगा. मैं सब रेडी कर रहा था लेकिन इसके नाटक सुनिए. स्टील के प्लेट में नहीं चाहिए मुझे, कांच के प्लेट में चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए. तू हाथ साफ करके ले, हाथ सैनिटाइज करके ले, इतना कौन करता है यार? तो गरम कैसे करते, गरम कैसे होता ये? इतना कौन नाटक सहता है? इसके लिए मैंने बोला तू कर ले. तो मम्मी लेके बैठ चुकी है अपना नाश्ता. मम्मी ये पूरा प्लेट खाएगी, मम्मी ये पूरा प्लेट खाएगी. मम्मी का कचौरी फेवरेट है, मम्मी का फेवरेट है कचौरी, मेरा फेवरेट है ये वेज पफ. मम्मी चलो यम्मी इन माय टम्मी करो, यम्मी इन माय टम्मी. सो ये पार्टी दी है हमको मम्मी ने आज, बिकॉज आज हमारे छोटे मामा डायरेक्टर हो चुके हैं स्टेट वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एंड ही विल बी ज्वाइनिंग सून. ही इज जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम NTPC एंड वी आर सुपर प्राउड एंड सुपर हैप्पी. मम्मी अपना कचौरी पेलते हुए, मम्मी आप कुछ बोलो. मैं खुशी से कचौरी खा रहे हैं और मन में मन खुश हो रहे हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं खुशी से. मम्मी को खुशी से आंसू आएगा कि नहीं पता, लेकिन ये हींग वाला कचौड़ी खा के थोड़ा गैस होगा जरूर. इसलिए खुशी और खुशी के आंसू आ रहा है कि उसने छोटे बचपन से बहुत तकलीफ उठाया करके बड़े हुए हैं. आज उसके खुशी देख के हमको भी बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत प्राउड फील करते हैं उसके लिए. आज पापा होते तो बहुत खुश होते. तो अनिकेत तुम कुछ बोलना चाहते हो मामू के लिए, मैसेज? हमेशा से प्राउड है बिकॉज उन्होंने एक उनको डेजिग्नेशन, एक प्रमोशन मिलता था फिर और एक प्रमोशन, फिर और एक प्रमोशन. सो हर साल कुछ ना कुछ एक नया फेदर लगता था. व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम NTPC बिहार, ही वाज द ED ओवर देयर. सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. मतलब उनको इतना मतलब पता नहीं है, वो ही इज वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ, बट देन उनके आजू बाजू में इतना सब कुछ मतलब सीखने के जैसे है
एंड वी आर सो हैप्पी कि ऊपर की सीढ़ी कैसे चढ़ी जाती है, कैसे मेहनत किया जाता है और कैसे डाउन टू अर्थ रहा जाता है, ये हमको उनसे सच में सीखने मिलता है। मतलब ही इज हमारे बेस्ट विशेस हमेशा उनके लिए। सो यस, इट्स अ डबल व्हैमी फॉर अस। देखिए मैं तो रेडी हो गया हूँ, मम्मी भी रेडी हो गई है। लेट कौन कर रहा है? वही औरत यही औरत इतना लेट कर रही, इतना लेट करती है हर जगह पे लेट, सिर्फ इसके वजह से। मैं इतना टाइम पे जाता हूँ और टाइम पे पहुँचता हूँ, सिर्फ इसकी वजह से लेट होता है। गाली कौन खाता है? मैं खाता हूँ। देखो मेलो ड्रामा चल रहा है, सिर्फ मेलो ड्रामा। उधर अंकल वेट कर रहे हैं केक काटने के लिए। तीन बैग है, तीनों एक 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 बैग पकड़ेंगे। वाओ, देखिए इस गरीब जनता को देखिए, कैग लगा के घूम रही है। इसको तो कांची के बिना काट नहीं सकता, इसको अंदर रुको रुको, हमारा दांत भी कांची के जैसे ही है। हम अपने दांत से काट लेगा। अरे एक ड्रेस, एक टी शर्ट, एक जींस नहीं उड़ा मुझे, इससे मोटी हो गई मैं। तो निकल गया। गुड, भगवान ने इतना रेडी करके भेजा भी, और क्या रेडी हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आजकल हम ये दिखा के डराते हम लोग। पिन ड्रॉप साइलेंस, केक काटने के पहले पिन ड्रॉप साइलेंस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे Happy birthday to you. Thank you all. A few moments later. Bye. चलो। So yes guys, पार्टी हो गया सक्सेसफुल। जम के खाया है, जम के हम लोगों ने केक वेक पेला है एकदम अच्छे से, जम के मस्ती भी किया, जम के गपशप भी किया। So yes, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। So yes guys, ब्लॉग का एंड यहीं पर ही करते हैं। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, दैट इज गोशाल्स ब्लॉग। गोशाल्स ब्लॉग, लव गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। प्लानिंग ये था कि आज करेला और तुरई बना। अरे वो तो हमने कल से ही प्लान कर लिया था। वाटरमेलन भी दिया, किसके रखा सब बोल लो।